नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। समस्या के समाधान को लेकर सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। लाहौर, करांची और पेशावर से लेकर देश भर में बंद रही दुकानें। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 के स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई। 5 सितंबर को फिर बढ़ाई जाएगी आदित्य की कक्षा। करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा आदित्य L1। सूरज पर आसानी से की जा सकेगी रिसर्च। G20 समिट की सुरक्षा करेगा नेत्र एयरक्राफ्ट। दिल्ली के एयर स्पेस की करेगा मॉनिटरिंग। बता देंगे दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट में 19 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। भारत में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम। प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो ने कहा कि रोवर ने अपना काम किया पूरा, अब 22 सितंबर को इसके जागने की उम्मीद। बता दें कि रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। जलंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। हाईवे पर खड़े एक केमिकल ट्रक को गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे के बाद केमिकल में लगी भयंकर आग, आग ने करने गाड़ी को भी ली अपनी चपेट। घटना के बाद लगा लंबा जाम, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां। पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने जताई चिंता। वीडियो जारी कर पंजाब को एक साथ मिलकर नशा मुक्त बनाने की कही बात। लोगों से पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की ड्रग फ्री मुहिम को सपोर्ट करने का किया आह्वान। भिवानी में हुआ आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह। नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की शिरकत। भाषण के दौरान केजरीवाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा के जिला जींद में रहा ब्लैकआउट। लोगों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी। भीषण गर्मी के बीच लोगों ने सरकार को कोसा। बता देंगे 132 केवी पावर हाउस से 33 केवी पावर हाउस को बिजली सप्लाई जारी करने वाला जंपर उड़ जाने के कारण गुल रही बिजली। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गंगापुर सिटी जिले में बीजेपी राजस्थान परिवर्तन संकल्प यात्रा को पुलिस ने रोक। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल सहित अन्य नेताओं ने जताया रोष। जयपुर में ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी। अगर कोई शादी पार्टी अन्य किसी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाता मिला तो पुलिस दर्ज करेगी केस। बता दें कि प्रदेश में ड्रोन का उपयोग कर अपराध की घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने लिया ये फैसला। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।